शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक बड़ा और भूखा शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि प्रतिदिन वो कई जानवरों को मारकर खा जाता था। शेर सभी जानवरों को जल्दी मार ना डाले, इसलिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना था। आपस में तय करने के बाद वो शेर के पास पहुंचे। हम सब यहाँ आपसे अपनी बात कहने आए हैं। हम आपकी प्रजा हैं और राजा को प्रजा की आवश्यकता है। अगर आप सबको खा जाएंगे तो फिर कोई भी प्रजा नहीं बचेगी। हम रोज एक जानवर आपके पास आपकी गुफा में भेज देंगे। इस तरह बिना शिकार किए आपको भोजन मिल जाएगा। शेर बात मान गया। उसने कहा कि अगर भोजन नहीं भेजा तो वो सबको मार डालेगा। और फिर उस दिन से रोज एक जानवर शेर की गुफा में भेजा जाने लगा। ये योजना काम कर गई। एक छोटा चालाक खरगोश जब शेर के पास भेजा गया तो उसने खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचाने की सोची। उसने एक उपाय सोचा और शेर के पास पहुंच गया। उसे देखकर शेर क्रोधित हो उठा। मेरी खुराक के लिए तुम छोटे हो, बेईमानी करने के लिए मैं सबको सबक सिखाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा। महाराज कृपया हमें दोष न दे, आपके लिए 6 खरगोश आए थे लेकिन एक दूसरे शेर ने 5 खरगोश खा लिए। दूसरा शेर कौन है? वो कहाँ रहता है? वो बहुत बड़ा है और वो मुझे भी खाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खाओगे तो आप उसे खा जाएंगे। उसने शेर को बताया कि दूसरे शेर को गुस्सा आया और उसने कहा कि वही इस जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर है और केवल वही इस जंगल का राजा है। उसने डींग मारी कि वो आपको दिखा देगा कि असली राजा कौन है। ये सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसकी दहाड़ से जंगल कांपने लगा। मुझे उस मूर्ख तक ले चलो, जब तक उसे मार ना डालूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जी महाराज, आप उस शेर को दिखा दीजिए असली राजा कौन है। वो उस शेर को जंगल में ले गया। वो उसे एक गहरे कुएं पर ले गया और नीचे इशारा करके बोला कि दूसरा शेर वहाँ नीचे रहता है। शेर ने कुएं में झांका और कुएं में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि वहाँ दूसरा शेर है। शेर को बेहद गुस्सा आया और दूसरे शेर पर आक्रमण करने के विचार से वो कुएं में कूद पड़ा। एक छपाके के साथ वो पानी में गिरा और डूब गया। छोटा चालाक खरगोश खुश होकर वहां से लौट पड़ा। वापस आकर उसने सभी जानवरों को वो किस्सा सुनाया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए कि उनका सबसे बड़ा शत्रु मारा गया। तुम तो बहुत चतुर निकले मेरे नन्हे दोस्त। और तुमने सारे जानवरों को हिम्मत दिलाई। बोलने वाली गुफा। एक बार एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक चालाक गीदड़ रहता था। हर सुबह गीदड़ अपनी गुफा से बाहर आता था। कल का दिन बुरा था, उम्मीद है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। यहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यहाँ रहने वाले जानवर का इंतजार करता हूँ।
सावधान रहूंगा। गुफा में कोई घात लगाए हुए है। निशान तो ताजी है और एक ही तरफ जा रहे हैं, मेरी गुफा की ओर, और वापस नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरी गुफा में एक शेर है। क्या अभी भी वो वही है या फिर जला गया होगा? कैसे पता करूं? एक उपाय सोचा है। मैं गुफा से बात करने का बहाना करूंगा। सुनो गुफा, आज शाम तुम कैसी हो? तो वो आ गया, पर मुझे चुप रहना होगा। अगर मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो भाग जाएगा। मैं उसे यही पकड़ूंगा। उसे आने दो, मैं उसे दबोच लूंगा। कितनी भूख लगी है। सुन रही हो गुफा, कैसी हो तुम? तुम्हें याद नहीं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें जवाब देना होगा, ताकि मुझे पता चले कि तुम अकेली हो। तुम्हें तो याद होगा है ना? अगर तुम चुप रहोगी तो मुझे लगेगा कोई अंदर है, फिर मैं अंदर नहीं आऊंगा। ये गुफा बात करती है। अगर मैं चुप रहूंगा तो वो समझेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो भाग जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जवाब दूंगा। आओ गीदड़, तुम्हारा स्वागत है। दिन कैसा रहा? शेर अभी भी गुफा में है। मुझे फौरन भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, गीदड़ ने बुद्धू बना दिया। अब मुझे अपना खाना खुद तलाशना होगा। बंदर और मगरमच्छ। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से निकला और जामुन के पेड़ के नीचे लेट गया। वहाँ एक बंदर था जो उस जामुन के पेड़ पर रहता था। तुम कौन हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ और मैं खाने की खोज में बहुत दूर से आया हूँ। ये लो खाओ। मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। बंदर ने उसे वचन दिया कि जब भी मगरमच्छ वहाँ आएगा वो उसे जामुन खिलाएगा। और लो खाओ। इतने दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और लो। बंदर ने उसे थोड़े जामुन उसकी पत्नी के लिए भी दिए। बंदर और मगरमच्छ बड़े अच्छे मित्र बन गए। मुझे ये जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। तब मैं तुम्हारे लिए थोड़े और लाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु थी। एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा कि उन्होंने हमेशा बंदरों को मारकर खाया है, तो मगरमच्छ ने इस बंदर से मित्रता क्यों की? मगरमच्छ ने कहा कि वो तो हम दोनों का ही बड़ा अच्छा मित्र है। मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खाना चाहती थी। मेरे मित्र, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो। मेरी पत्नी भी ये जामुन खाकर बहुत खुश होती है। उसने बंदर को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई। तुम अपने दोस्त को घर क्यों नहीं बुलाते? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। वो और लालची होती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए बंदर को खाने की उसकी इच्छा बढ़ती ही गई। उसने अपनी योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। मैं बीमार हूँ और वैद्य ने कहा है कि मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब मुझे बंदर का दिल खाने को मिले। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वही तो एक मेरा मित्र है। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि जब वो अपने मित्र बंदर से मिलकर लौटेगा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। उसे पत्नी के लिए बंदर का दिल लाना ही होगा। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का जीवन बचाने का निश्चय किया।
जब वो उस दिन अपने मित्र से मिलने गया, उसने बंदर को अपने घर पर आमंत्रित किया। पर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम तो पानी में रहते हो, अगर मैं डूब गया तो? हम नदी के किनारे रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ठीक है। उसने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। जैसे जैसे नदी गहरी होती गई, बंदर को डर लगने लगा। मुझे आगे मत ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें मारना ही चाहता हूँ और तुम्हारा दिल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। बंदर तेजी से सोचने लगा, क्योंकि उसे खुद को बचाना था। उसे अपनी चालाकी से मगरमच्छ से छुटकारा पाना था। मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ के छेद में रखा है। ऐसी बात है, तो चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। मगरमच्छ वापस जामुन के पेड़ की तरफ गया। चालाक बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूदा और जामुन के पेड़ पर ऊंचा जाकर बैठ गया। अब तुम अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उससे कहो कि उसका पति इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। मगरमच्छ ने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया था।